सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 28th of August 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्रीमियम स्पोर्ट्स एक्सपीरियंसेस एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म ड्रीम सेट गो। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज सौरव गांगुली। ओके, सौरव गांगुली को यहाँ पे एक टाइटल मिला हुआ जिसको हम लोग महाराजा ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। ओके, या भी ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किस चीज़ के लिए, फॉर प्रीमियम स्पोर्ट्स एक्सपीरियंसेस एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और फर्स्ट टाइम ऐसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। और इनको यहाँ पे मतलब फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, सौरव गांगुली जी को। कब ये लॉन्च हुआ था, 25th of August। ओके, और इसको फाउंड किसने किया, मोनिशा शाह ने। ओके, काफ़ी एक अच्छा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स भी दिए हुए हैं और क्रिकेट के लिए यहाँ पे एक अलग ही मतलब पूरा पेज दिया हुआ है जहाँ पे आपको हर चीज़ लाइव स्कोर्स टिकट बुकिंग एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में एक ये ट्रैवल प्लेटफॉर्म भी है, तो आप ट्रैवलिंग के लिए भी यहाँ पे चीज़ें बुक कर सकते हो, जो कि काफ़ी एक अच्छा एप्लीकेशन है। ओके, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 25th August 2022। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी विच इज डॉक्टर समीर वी कमात। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका राइट आंसर। ओके, और अगर हम बात करें तो DRDO एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे मिलिट्री या फिर आर्म्ड फोर्सेज के लिए वेपन्स बनाती है, मिसाइल्स बनाती है, ड्रोन वगैरह सब कुछ यही बनाती है। और ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हो कि ये बैकबोन है किसका, हमारे जितने भी डिफेंस के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए। ओके, क्योंकि ये डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं और सब कुछ यहाँ पे इंडिजीनियसली यहाँ बनाते हैं। ओके, कभी कभी कोई कोई चीज़ यहाँ पे जॉइंट वेंचर भी होता है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया और रशिया का यहाँ पे मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल बना हुआ है, तो किसने बनाया, DRDO ने। ओके, इनकी अगर हम बात करें तो ये काफ़ी एक मतलब बेहतरीन इंसान है। इससे पहले ये जनरल ऑफ नेवल सिस्टम एंड मटेरियल के यहाँ पे ये लाइक डायरेक्टर जनरल थे। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल सिस्टम एंड मटेरियल। ओके, इसके थे यहाँ पे, इन्होंने सक्सीड किसको किया, GS रेड्डी। ओके, GS रेड्डी भी जो है काफ़ी एक मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इस टाइम पे। और इनको पहले 2 सालों के लिए अपॉइंट किया गया था, उसके बाद फिर इनको फिर 2 साल इनका एक्सटेंड किया था बिकॉज इनका जो काम था वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम इनकी बात करें यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे कितना टाइम के लिए अपॉइंट किया गया, तो इनको यहाँ पे एट दी एज ऑफ 60, 60 साल जब तक इनकी एज नहीं हो जाती तो 60 तब तक इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल डॉग डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए विच इज 26th of August। ओके, तो 26th of August काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डे। इस दिन और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे इन डॉग्स के ऊपर। ओके, तो देखो डॉग्स क्या होते हैं, काफ़ी मतलब एक फेथफुल एनिमल है, इसके अलावा ह्यूमन बेस्ट फ्रेंड, इसके अलावा लॉयल सबसे लॉयल एनिमल अगर कोई माना जाता है तो वो डॉग्स को ही मतलब यहाँ पे दिया गया। ओके, साथ ही में इस पर्टिकुलर डे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे एडॉप्शन ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, जितने भी जो डॉग्स होते हैं वो जो गलियों में घूमते रहते हैं उनको यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए बोला गया। साथ ही में उनको यहाँ पे काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट, साथ ही में यहाँ पे वेलफेयर, ये दोनों चीज़ की यहाँ पे बात की गई, यानी कि सेफ इन्वायरमेंट और वेलफेयर की यहाँ पे बात की गई है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनको अनएथिकल तरीके से जितना भी इनकी सेलिंग या फिर बाइंग होती है, खरीद बिक्री होती है, उसको यहाँ पे नहीं करना है। और जो भी इनकी ब्रीडिंग की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो भी यहाँ पे बंद करना, जो भी मतलब इलीगल तरीके से नई नस्लों को जन्म देना जो होता है वो गलत तरीके से किया जाता है। ओके, तो वो भी यहाँ पे नहीं करना है। ओके, 2004 से इसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ओके, डॉग एक काफ़ी एक बेहतरीन एनिमल होता है। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, बताने की जरूरत भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वुमेन इक्वलिटी डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स बी विच इज 26th of August यहाँ पे किया जाता है। ओके, तो 26th of August को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, लाइक वुमेन इक्वलिटी डे। साथ ही में यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर बात होती है, यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर बात होती है। फर्स्ट यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, साथ में वहाँ पे वुमेन इक्वलिटी। ओके, और हर सेक्टर में यहाँ पे इक्वल यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है इनको, साथ ही में यहाँ पे इक्वल पोजिशन पे रखना है, किस चीज़ कहाँ पर, सोसाइटी में। ओके, एंड हर जगह। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यार लाइक 26th of August को और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट हुआ था, 26th of August 1920 को यहाँ पे USA ने जितनी भी वहाँ वुमेन्स थी उनको राइट टू वोट का अधिकार दे दिया था। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मार हुआ था, मार कह सकते हो मतलब प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तो उसके बाद इसी दिन यहाँ पे दे दिया गया था। ओके, और फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स इक्वलिटी डे, लेकिन इन रियलिटी फर्स्ट टाइम 1973 में इसको लेके आया गया था। ओके, उस दिन से ही मतलब वुमेन्स जो थी वो थोड़ा मतलब एम्पावरमेंट की बातें, इक्वलिटी की बातें यहाँ पे शुरू हो गई थी, जो कि थोड़ा सा काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स अगर यहाँ पे सोसाइटी में मतलब अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो हर चीज़ मतलब करप्शन लाइक मार झगड़ा सब कम हो जाता है। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है।
Next question is, who was appointed as the executive director of India at International Monetary Fund? So, right answer of fifth is, it's C, which is Krishnamurthy Subramaniam, okay? So, basically, ये जो है, ये काफी एक important personality है, और साथ में इसके अलावा अगर हम बात करें, तो executive director of India इनको यहाँ पे, like, बना दिया गया, कहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, International Monetary Fund, यानी कि IMF में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 सालों के लिए बनाया गया, okay? अब ये 3 साल तक इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पर, IMF में, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। IMF एक लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, अगर आपकी किसी भी कंट्री में अगर IMF अगर आ जाता है तो वो आपके पूरे ही इकोनॉमिकली जो सेक्टर है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, पूरा फाइनेंस मिनिस्टर जो है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो IMF के अंडर आ जाता है, पूरा मतलब बर्बाद कर देता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज स्लेटेड टू कम अप इन विच स्टेट? राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज, इट्स सी, विच इज कर्नाटका, कर्नाटका के बैंगलोर में, ओके। तो यहाँ पे जो एक न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे इजाद की गई थी, और उसके बाद यहाँ पे जो लार्सन और टर्बो है, इन दोनों ने जो कंपनी है इन्होंने बनाया इस चीज़ को, ओके। और यहाँ पे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओके, किस चीज़ के लिए, फॉर न्यू पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, ओके, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और बोला जा रहा है कि भाई नेक्स्ट मंथ तक ये बन के तैयार हो जाएगा, ओके। साथ ही में यहाँ पे ये बोला गया कि भाई इसके बनाने के फायदे मेन ये था कि जो कंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पे कॉस्ट आता है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस्ड कॉस्ट कह सकते हो, क्योंकि साथ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव रहेगा, और इंडिया में ऐसा फर्स्ट यहाँ पे होने वाला है, तो यहाँ पे टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करने वाला, ओके, और कॉस्ट यहाँ पे कम लगने वाला है, इसका मतलब हम इसको और भी कई जगह पे इसको बना सकते हैं, और इसको सही रहेगा, ओके, और इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी अनाउंस 25th August 2022 अ पार्टनरशिप विथ GOBP टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एंड बैटरी स्वैपिंग सॉल्यूशन इन इंडिया? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज, इट्स ए, विच इज हीरो, ओके। हीरो और GOBP ने यहाँ पे मिल करके पार्टनरशिप किया, किस चीज़ के लिए, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे लगाने के लिए, साथ में यहाँ पे बैटरी स्वैपिंग के अलग अलग स्टेशन या फिर सॉल्यूशन या फिर अलग अलग जगहों पे लगाने के लिए, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से यहाँ पे, ओके। और साथ ही में यहाँ पे जितने भी बैटरी स्वैपिंग के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और साथ में मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, किनको, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिन भी लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पे, ओके। मेन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके बैटरी से ही आता है, ओके, और बैटरी स्वैप करना यानी कि चेंज करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, और जब आप बैटरी चेंज कर देते हो तो उसकी लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है, ओके, इस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया। साथ ही में यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए बताया गया, और थोड़ा ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर इन दोनों ने किस पर्टिकुलर फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर या टू व्हीलर, तो यहाँ पे हम लोग बात, यहाँ पे टू व्हीलर्स के लिए किया गया, यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह के लिए किया गया, ओके। यहाँ पे GOBP यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूज होगा कि भाई GOBP क्या है, तो GOBP जो है वो दो लोगों का यहाँ पे जॉइंट वेंचर है, पहला रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरा यहाँ पे भारत पेट्रोलियम, इसको यहाँ पे मिला करके GOBP, ओके, यानी कि जियो भारत पेट्रोलियम यहाँ पे किया गया। साथ ही में ये जो GOBP जो है वो यहाँ पे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इंडिया में डेवलप करने का पूरा काम करता है, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज एक्सेप्टेड द मर्जर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड भारत गैस? राइट आंसर ऑफ एट्थ इज, इट्स डी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये जो पूरा है वो इसके अंडर, मतलब जो सॉरी ये जो पूरा है यहाँ पे ये इसके अंडर आता है, ओके, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई आफ्टर देयर कोलैबोरेशन या फिर मर्ज के बाद यहाँ पे काफ़ी सिंपली यहाँ पे सिंपल हो जाएगा हर चीज़ को, मतलब करने में इन दोनों के जो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स होंगे वो काफ़ी ईजी वे में यहाँ पे काम कर पाएंगे। साथ ही में जितने भी इनके एसेट्स होंगे वो भी यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे दोनों मिल करके अलग अलग यहाँ पे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पे ओपन कर पाएंगे अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके तहत यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कॉस्ट होगा गैस का वो कम हो जाएगा, ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इसके दोनों के मतलब मर्ज करने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑफिसेज भी खुलने वाले हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होंगे, और उसके तहत लोगों को काफ़ी मतलब काफ़ी ईज ऑफ डूइंग करने के लिए मिलेगा, ओके, काफ़ी ईजी हो जाएगा हर काम को करने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ इंडिया क्लीन एयर समिट बिगेन 23rd August 2022 इन बैंगलोर? राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज, इट्स बी, विच इज फोर्थ एडिशन, ओके। तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि भाई इंडिया क्लीन एयर समिट में क्या होने वाला, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर रिजॉल्विंग द एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, इन दोनों के ऊपर यहाँ पे बात होती है, और इसी के तहत यहाँ पे जो हमारा क्लीन एयर जो है वो बनेगा कहाँ पर, इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, ओके। साथ ही में वी आर सर्चिंग फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन जिसके तहत यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकें, साथ ही में यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे मोर इफेक्टिवनेस, साथ ही में
सस्टेनेबल आउटकम के लिए हम लोग यहाँ पे एम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को इसमें काफ़ी मतलब ऊपर एक काफ़ी ऊपर पॉइंट रखा जाता है। कार्बन रिडक्शन यहाँ पे अगेन एक एम है, और साथ ही में यहाँ पे जितने भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर सब्सिडी वगैरह देना ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, साथ में ओजोन लेयर जो है उसको भी यहाँ पे डिप्लिक्ट होने से बचाना है, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो काफ़ी दिक्कत होगा, जितने भी अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं वो आ जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड हैज़ पार्टनर विथ सिडबी टू लॉन्च ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिशिंग थ्रू आउट द कंट्री। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज 1000। ओके, तो यहाँ पे 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया। किस चीज़ के लिए? फॉर रूरल एंटरप्राइजेस, जितने भी रूरल जितने भी गांव में जितनी छोटी छोटी मोटी कंपनीज होती हैं उनके लिए। ओके, साथ ही में अगर हम सिडबी का यहाँ पे फुल फॉर्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया, यानी कि जितनी भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पे डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रीन एनर्जी। ओके, ऑलरेडी हमने ऊपर बात किया कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक और लाइक कह सकते हो कि एक इंसेंटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसको हम बोलते हैं GREENI। ओके, इसका मतलब हुआ गो रिस्पॉन्सिव इंटरप्राइजेस इंसेंटिव। ओके, इसका मतलब रखेगा यहाँ पे ग्रो रिस्पॉन्सिव इंटरप्राइजेस इंसेंटिव। ओके, इसके अंदर यहाँ पे जितने भी हमारे सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या कहना कि आत्मनिर्भर भारत का यहाँ पे सपोर्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्लीन एनर्जी क्लीन ग्रीन एनर्जी यहाँ पे आएगी, साथ ही में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये अफोर्डेबल रहेगा और सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा खासा काम होगा। किस सेक्टर में? सस्टेनेबल सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38th मीटिंग ऑफ द इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन हेल्ड इन। राइट आंसर ऑफ 11th इज ऑब्वियसली आई सी न्यू दिल्ली में होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो बांग्लादेश और इंडिया में बहती हैं, लाइक दोनों को कनेक्ट करती हैं, तो कौन कौन सी हो जाएगी? पहले यहाँ पे गंगा आ जाएगा, तीस्ता रिवर आ जाएगा और एक खुशियारा रिवर आ जाएगा। ओके, खुशियारा रिवर, इन सब के ऊपर यहाँ पे बात हुआ है। यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, नाम याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिलेटेड टू फ्लड, मतलब कि फ्लड से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन या फिर डेटा होंगे वो यहाँ पे शेयर करने के लिए बोला गया। साथ ही में यहाँ पे रिवर बैंक प्रोटेक्शन भी चाहिए, जितने भी उसके रिवर के आसपास के एरिया है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पे जितने भी कॉमन मैनेजमेंट वाला काम है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। ओके, साथ ही में जितने भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं यहाँ पे, लाइक जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया बांग्लादेश के लाइक वाटर शेयरिंग में, उसको भी यहाँ पे रिजॉल्व करना है विथ पीस। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वॉर, वैसे भी अगर नहीं होगा वॉर, कभी नहीं होगा वॉर। ओके, पहली चीज़ तो यही है। उसके अलावा लाइक बांग्लादेश बोलता है कि भाई हमें थोड़ा सा और पानी चाहिए बिकॉज हमारे फार्मर्स हैं, इंडिया बोलता है कि भाई तुमसे ज़्यादा फार्मर हमारे पास है तो हमें पानी चाहिए, तो ये जो है उसको बातचीत से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसलिए यहाँ देखो यहाँ पे 38th मीटिंग, यानी कि हम लोग कितना आगे तक गए हुए हैं बातचीत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट दैट हैज बीन प्रोजेक्टेड बाय आईसीआरए। राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी विच इज 13%। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि भाई 12 से लेकर 30% रहेगा, कब? फिजिकल ईयर 23rd, मतलब अगले साल का। ओके, 23rd। ओके, तो यहाँ पे बोला ये पहली आईसीआर क्या है? तो ये एक इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। ओके, ICRA लिखा हुआ है। ओके, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ओके, तो इन्होंने बोला है कि भाई इंडिया का जो अगले साल का जो GDP है वो ग्रो करेगा। ओके, और बोला गया है कि भाई पिछली बार मतलब इस साल का यहाँ पे 7.2% बताया था इन्होंने और ऑलमोस्ट सही रहा था। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें यहाँ पे तो भाई जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर, इन्होंने बताया था वॉर, कोल जितने भी हमारे क्रूड प्राइजेज हैं या फिर फ्यूल के जितने भी प्राइजेज हैं वो, और साथ ही में यहाँ पे इन्फ्लेशन का रिस्क जो था उसके कारण यहाँ पे इस साल का थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। ओके, साथ ही में इन्फ्लेशन भी एक रहा है, GST के कारण भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, और भी कई सारे यहाँ पे रीजंस हैं। और बोला गया कि अगर जो वॉर अभी जैसे कि यहाँ पे ताइवान चाइना का भी यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट लग रहा है कि कुछ हो सकता है। ओके, अगर ये हो जाएगा तो जो हमारा जो GDP है वो और डाउन हो जाएगा। ओके, अभी तो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया मतलब एस्टिमेट लगाया कि मे भी अच्छा हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक विड्रॉ द रिस्ट्रिक्शन ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड सर्विस आफ्टर कंप्लेंस विथ डेटा स्टोरेज नॉर्म्स। राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स डी विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो मई 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेस
सॉरी अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैन लगा दिया था. ओके, और आफ्टर 15 मंथ यानी कि 15 महीने अब तक हो चुके हैं, इसके बाद यहाँ पे इसको वापस से बोला है कि आप कर सकते हो, मतलब जितने भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे लाइक रीजंस बताया गया था कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे कंप्लेंस आ रहे थे और डेटा स्टोरेज भी का भी प्रॉब्लम था और कुछ यहाँ पे नॉर्म्स भी थे जो ये फॉलो नहीं कर रहा था. बट फिर अमेरिकन एक्सप्रेस ने कुछ अपने सुधार किया और उसके बाद बोला कि हम ठीक ठाक हो चुके हैं, अब हमें अलाउ कर दीजिए. ओके, एक्सेप्ट दैट ये जो कंपनी है यहाँ पे, ये किसकी है, ये यूएसए बेस्ड है यानी कि अमेरिका की ही कंपनी. ओके, ये जितने भी क्रेडिट कार्ड की जो सर्विसेज होती हैं यहाँ पे कौन से एक्ट से ये काम करती है, तो यहाँ पे एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, याद रखिएगा इस चीज़ को, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत इस सारे जितने भी हमारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हैं वो काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टुक चार्ज ऑफ SBI कैप सिक्योरिटी एज द न्यू MD एंड CEO. राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स ए विच इज दीपक कुमार लाला. ओके, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया, यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया है नरेंद्र यादव को. ओके, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन्होंने अराउंड 37 लाइक प्लस 37 ईयर्स इन्होंने सर्व किया है किसमें, SBI में, और इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी वैल्यूएबल है और इसकी वजह से इनको यहाँ पे SBI कैप का यहाँ पे न्यू MD एंड CEO बना दिया. ओके, SBI कैप मतलब समझ सकते हो कि ये ट्रेडिंग वगैरह के लिए काम आता है. ओके, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड स्टेट्स मार्क द यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे विथ $ बिलियन इन सिक्योरिटी असिस्टेंस. राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स सी विच इज $3 बिलियन. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24th of August को हम लोग मतलब ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग क्यों सेलिब्रेट करेंगे. ओके, तो ये दिया है और साथ ही में US जो है USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इनको यहाँ पे $3 बिलियन रुपीज़ का एक यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड किया, या फिर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट कह सकते हो या फिर मिलिट्री एड कह सकते हो. इसके तहत यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई आप जो है वो यहाँ पे लाइक एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा आर्टिलरी सिस्टम, काउंटर अनमैंड एरियल सिस्टम, रेडार्स वगैरह, वेपन्स वगैरह आप यहाँ पे खरीद सकते हो. ओके, तो ये भी यहाँ पे बताया गया था कि लाइक एयर डिफेंस सिस्टम, मैं वापस लिख देता हूँ, आर्टिलरी सिस्टम हो गया, काउंटर अनमैंड एरियल सिस्टम, इसके अलावा रेडार्स, जितने भी लाइक जितने भी सिक्योरिटी से जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो आप खरीद लो और ताकि आपकी जो सिक्योरिटी में काम आएगा. तो समहाउ USA जो है वो यहाँ पे यूक्रेन को फिर से चढ़ा रहा है ताकि वो जो वॉर है वो ख़त्म ना हो, चलते रहे. ओके, इससे USA का काफ़ी ज़्यादा फायदा है लेकिन नुकसान हम लोगों का हो रहा है. वाई बिकॉज जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे थे उनका सिलेबस गड़बड़ आ गया, पूरा करिकुलम ख़राब हो गया, हमारे जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनका यहाँ पे लॉस हुआ. तो USA जो है वो ऐसी हरकतें ऑलरेडी कोल्ड वॉर के टाइम पे हमेशा कर चुका. ओके, और लाइक हमें तो यहाँ पे हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई किसी भी कंट्री के बीच में वॉर ना हो, देर मस्ट बी अ पीस इन होल वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आपको जो PDF जो है वो यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा. ओके, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.